सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था थर्ड बहुपद, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला। तो आज करते हैं विविध प्रश्नमाला का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 14 तक हमने कल कर लिए थे, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, देख लीजिए। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस px प्लस q के शून्यक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो इसका पहला ही पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, और दूसरा पार्ट है आपका कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, तो आंसर आप देखिए, ये आपका बहुपद है, तो बहुपद के शून्यक, बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस px प्लस q के शून्यक दे रखे अल्फा और बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। अतः अब अल्फा और बीटा यदि इस बहुपद के शून्यक है, तो शून्यकों और गुणकों में जो रिलेशन है वो हम यहां पे लिखेंगे। अतः शून्यकों तथा गुणकों में संबंध, तो शून्यकों और गुणकों में संबंध क्या है, पहला ही संबंध है आपका कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस का पी अपॉन ए का मान क्या है, वन। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर पी। आगे बात समझ में, इसको आप मान लीजिए समीकरण एक। और दूसरा रिलेशन कि शून्यकों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, सी क्या आपका क्यू अपॉन ए क्या वन, बराबर क्या आ गया क्यू, इसको मान लीजिए समीकरण दो। आगे बात समझ, अब आप पहला पार्ट देख लीजिए। नाउ पहला पार्ट आपको क्या सिद्ध करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है, यानी कि सिद्ध नहीं करना, इसका मान आपको निकालना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आगे बात में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। चेक कर लीजिए, इसको हल कीजिए, यही चीज़ आने वाली, देखिए कैसे क्या किया हमने, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, और ये माइनस टू अल्फा बीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। आगे बात समझने, तो अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रखेंगे हम समीकरण एक से, क्या है पी, तो पी का स्क्वायर माइनस दो, दो को तो हमने लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो हम यहाँ से लिखेंगे क्या है क्यू। आगे बात समझ, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। आगे बात, अब दूसरा पार्ट देख लीजिए, सेकेंड पार्ट क्या आपका, 1/α + 1/β बराबर, अब देखिए लेस पे ले लीजिए क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आगे बात समझ में, अब देखिए देयर इम्प्लाइज 1/α + 1/β बराबर, अब अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ से रखेंगे समीकरण एक से, क्या है पी, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से रखेंगे क्या है क्यू, तो ये आपका आ गया 1/α + 1/β बराबर क्या आएगा पी बटा क्यू, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
यदि बहुपद, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद कौन सा, x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है और शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात करो। मान लीजिए ये आपका बहुपद है fx और ये बहुपद है gx। क्या कह रहा है कि fx में gx का भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है x प्लस a। तो आपको ये जो अचर k है, k और a, इन दोनों के आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए आंसर, तो भाग दे देते हैं, तो x² माइनस 2x प्लस k का भाग देना है किसमें, इस बहुपद में। कह रहा ना बहुपद में अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है, तो भाग देते हैं x की घात 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। अब देखिए भाग देने की प्रक्रिया, अब आपको पता ही है भाग देने की प्रक्रिया क्या होगी। x² का भाग देंगे x की घात 4 में, कितनी बार जाएगा x² आगे बात समझ। अब क्या करना है, इसको पूरे से गुणा कर देना, x² × x² x की घात 4, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का 2x³, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का k x²। अब अगला प्रोसेस क्या, इसमें से ये घटाना है तो इसमें से ये घटाएंगे 0, हाँ माइनस 6 में से यहाँ पे प्लस चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 क्या बचेगा, माइनस का 4x³। यहाँ से 16x² में से k x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 16 माइनस k x² आगे पास में, बाकी जो है वैसे लिख दीजिए 25x प्लस 10। अब अगला स्टेप, अब इसका इसमें भाग देना है तो x² का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, माइनस का 4x। अब गुणा कर दीजिए तो माइनस का 4x³, इसका इससे करेंगे माइनस माइनस, प्लस का 8, 4 × 8 x², इसका इससे करेंगे तो माइनस का 4kx। आगे बात समझ, अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसमें से ये घट गया क्या बचा, 0। अब देखिए 16 माइनस के x² में से 8x² घटाना है, आगे बात समझ, तो देखिए कैसे 16 माइनस के x², इसमें से घटाना क्या है, माइनस का 8x² आगे बात समझ। तो ध्यान से देखिए x² तो बाहर आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या 16 माइनस के माइनस 8 × x² आगे ना, x² क्या आ गया, कॉमन आ गया, 16 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 8 माइनस के x², तो इसमें से ये घटाएंगे क्या बचेगा, 8 माइनस के x² आगे बात समझ में। अब ये क्या है, माइनस का 25x, माइनस का 25x, अब यहाँ पे ये प्लस हो गया तो प्लस का 4kx, तो बचेगा x आ गया कॉमन, माइनस का 25 प्लस का 4k × x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4k माइनस 25 इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स, ये बच गया, और ये 10 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस का 10। अब अगला स्टेप, इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 8 माइनस के, तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, प्लस 8 माइनस के, अगली बार इसको इससे गुणा करवा दीजिए क्या आएगा, 8 माइनस के x², इसको इससे गुणा करवाएंगे, तो ध्यान से देखना
माइनस का 2 इंटू 8 माइनस के, माइनस का 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स, और इसका इससे गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस के इंटू 8 माइनस के। अब वही प्रोसेस, घटाना है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो इसमें से ये घटाएंगे जीरो। अब देखिए ये प्लस हो गया तो बचा क्या, 4k माइनस 25 इंटू एक्स, इसमें से ये घटाना था यानी कि माइनस का 2 8 माइनस के घटाना था, यहाँ पे प्लस लग गया तो क्या बचेगा, प्लस ये 2 8 माइनस के इंटू एक्स, तो एक्स और बाहर को मना रहा, तो 4k माइनस 25 प्लस ये 8 दूनी 16 माइनस 2k इंटू एक्स, तो क्या बचेगा देख लीजिए, 4k माइनस 2k क्या बचेगा 2k, माइनस का 25 प्लस का 16, 16 और 9 25, तो माइनस का 9, तो क्या बचेगा यहाँ से 2k माइनस का 9 एक्स, ये बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या ये 10, अब ये माइनस, तो प्लस 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ये बच गया आपका फाइनल शेष पर। आगे बात समझ में, अब ध्यान से देखना, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दिया जाता है तो शेषफल x प्लस ए आता है। आगे बात समझ में, तो यहां से आप देख सकते हैं अतः भागफल कितना आया, भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस के, और शेषफल कितना आया, ये रहा 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस, तो इसको आप अंदर और लिख दीजिए या ऐसे ही लिख दीजिए, 10 माइनस के 8 माइनस के, ये आया आपका शेषफल। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इस बहुपद का इस बहुपद में भाग देते हैं तो शेषफल x प्लस ए आता है। प्रश्नानुसार ये शेषफल, यानी ये शेषफल, ये कह रहा है इसका इसमें भाग देने पर शेषफल x प्लस ए आता है, तो ये x प्लस ए शेषफल इस शेषफल के बराबर ही तो होगा, तो ये क्या हो गया 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस, हाँ इसको थोड़ा अंदर गुणा करवा दीजिए, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, और ये शेषफल कह रहा है कि क्या आता है x प्लस ए आता है। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखिए ये किस रूप में है, देखिए इसका गुणा x का गुणा क्या है ये, और ये क्या है अचर है, यहाँ पे x का गुणा क्या है 1 और ये क्या है अचर है, क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो x के गुणा की तुलना कीजिए, x का गुणा इधर क्या है इधर क्या है, तो x का गुणा इधर है 2k माइनस 9 और उधर क्या है 1, तो 2k माइनस 9 बराबर 1, और अचर पद इधर क्या है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 और उधर क्या है a, अचर पद उधर क्या है a। आगे बात समझ, अब ध्यान से देखना, तुलना कर ली तो यहाँ से k बराबर क्या आएगा, 9 को उधर भेजिए, माइनस का 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, 9 और 1 10, 10 बटा 2, तो k बराबर आ गया 5। आगे बात समझ, ये k की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, देयर इंप्लाइज 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 बराबर a, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 पंजा 40 प्लस 10 बराबर a, तो 25 और 10 35 माइनस 40 बराबर a, देयर इंप्लाइज a बराबर क्या आएगा माइनस का 5, अतः k बराबर 5 तथा a बराबर माइनस का 5, तो ये आपके पास में आ गई k और a की वैल्यू, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर देर का कितना, 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल देर का है। अब क्या देर का है कि भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अभीष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और भूखंड की जो लंबाई है वो किसमें, मीटर में, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो आपको अभीष्ट द्विघात समीकरण बना के भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो करेंगे क्या, देख लीजिए, माना भूखंड की चौड़ाई क्या है, एक्स मीटर। भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मान ली, एक्स मीटर। अतः लंबाई, अब देखिए लंबाई दे रखी है, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई क्या है एक्स, तो एक्स का दोगुना 2x, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक प्लस 5। आ गई बात समझ में, क्लियर, तो ये आ गई आपकी लंबाई। अब देखिए नाउ भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब भूखंड का क्षेत्रफल देर का कितना, 528 बराबर लंबाई कितनी है, ये रही 2x प्लस 1, इंटू चौड़ाई कितनी है x, हमने मान रखी है कि x। आगे बात समझ, तो यहाँ से ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो 528 बराबर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, देर इम्प्लाइज ये द्विघात समीकरण बन गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का 528 बराबर 0, तो ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। आगे बात समझ में, अब आप इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान निकाल लीजिए। तो यहां से तो अतः श्री धराचार्य सूत्र से x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी b क्या 1 यानी माइनस का 1 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का मान क्या है 2, इंटू c का मान क्या है माइनस का 528 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 528 को 8 से गुणा कर लीजिए, 8 64 का चौका हासिल की 6, 8 दूनी 16 6 22 का बिया हासिल की 2, 8 पंजे 40 41 42 प्लस 42 24 बट्टा 4। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4225 बट्टा 4। अब 4225 किसका वर्गमूल है, यानी कि 4225 का वर्गमूल आपको निकालना है, 4225 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 50 60 65 का आपके आ जाएगा 525 साचंग 4225 65 का वर्गमूल है, ये किसका है, 65 का वर्ग यानी 4225 का वर्गमूल। तो यहाँ से x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस, हाँ 4225 का वर्गमूल क्या आएगा, 65 बट्टा 4। अब देखिए अतः x बराबर प्लस लेने पर चिन्ह, अब दोनों चिन्ह लेंगे, प्लस लेने पर
एक्स बराबर माइनस वन प्लस 65 बटा 4, तो x बराबर 65 माइनस 1 64 बटा 4, x बराबर 16। आगे बात में माइनस लेने पर x बराबर माइनस 1 माइनस 65 बटा 4, x बराबर माइनस 66 बटा 4। अब चूंकि x का मान नेगेटिव तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ी ले रहे हैं, तो लंबाई और चौड़ी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जो x की जो ये वाली वैल्यू आएगी माइनस, ये आपको नहीं लेनी, कौन सी लेनी है, प्लस लेनी है। चूंकि लंबाई या चौड़ाई नेगेटिव नहीं होती, अतः x बराबर 16, अतः x बराबर क्या आएगा 16। इसका मतलब क्या हो गया, अतः चौड़ाई जो कि हमने क्या मानी x बराबर क्या आ गई 16, क्लियर। तथा लंबाई, लंबाई क्या होगी, ये देर की लंबाई क्या होगी 2x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी कितनी हो जाएगी ये 16 32 एक 33। आई बात समझ में, तो फाइनली लंबाई आ जाएगी आपकी 33 और चौड़ाई आपकी आ जाएगी 16। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, लंबाई 33 और चौड़ाई 16। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए, ये आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी गुणनखंड आपको ही करना है विधि से, हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यदि द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल माइनस 5 है, क्लियर। तथा और क्या दे रखा है, एक और द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका एक मूल दे रखा है आपको माइनस 5, और एक ये द्विघात समीकरण दे रखा है, कह रहा है कि इसके जो मूल है वो बराबर, यानी ये द्विघात समीकरण है, इसके दोनों ही मूल के आपस में बराबर है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है, यानी इस वाले द्विघात समीकरण जो k है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आंसर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल माइनस 5 है, अतः अगर माइनस 5 इस द्विघात समीकरण का मूल है तो यह मूल इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अतः माइनस 5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। दैट इंप्लाइज यानी कि 2x की जगह क्या रख देना है, ये वाला मूल माइनस 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस 5 माइनस 15 बराबर 0, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 माइनस 5p माइनस 15 बराबर 0, 50 में से 15 घटाएंगे 35, 35 माइनस 5p बराबर 0, तो यहाँ से 5p बराबर 35, तो यहाँ से p बराबर 7 आ जाएगा, क्लियर। तो p की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई 7। अब क्या कह रहा है, नाउ द्विघात समीकरण कौन सा, वो वाला द्विघात समीकरण p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के
मूल बराबर है। इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, मूल बराबर है, अतः विव्यक्तिकर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। आगे ने बात सुन, अब वापस आप इस द्विघात समीकरण को पूर्ण रूप में लिख दीजिए। देयर इंप्लाइज द्विघात समीकरण क्या आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर जीरो। आगे बात सुन, तो देख सकते हैं यहाँ, तो पहले तो आप इसको पूरा ही लिख दीजिए, पी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। देयर इंप्लाइज पी का मान रखने पर तो ये क्या आ जाएगा, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस के बराबर जीरो। आगे बात समझ, अब देखिए यहाँ ए बराबर सात, बी बराबर सात और सी बराबर के। आगे बात समझ, अतः विभक्तिकर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या होगा, जीरो। क्योंकि ये कह रहा है कि इस समीकरण के द्विघात समीकरण का मूल क्या है, बराबर मूल बराबर है, तो विभक्तिकर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, जीरो होगा। देयर इंप्लाइज बी स्क्वायर यानी कि सात का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान क्या है सात, सी का मान क्या है के बराबर जीरो, गुण पचास माइनस सात चौक अट्ठाईस के बराबर जीरो। तो यहाँ से अट्ठाईस के बराबर गुण पचास, तो के बराबर क्या आ जाएगा, गुण पचास बट्टा अट्ठाईस। तो यहाँ से और लिख दीजिए, के बराबर सातो सात गुण पचास सात चौक अट्ठाईस, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, सात बट्टा चार। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। इसका एक पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट आप घर पे करना। तो इसका पहला ही पार्ट देख लेते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। आगे बात, अब श्रीधर आचार्य सूत्र से इसको हल करना है, तो आंसर व्यापक द्विघात समीकरण कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर ए बराबर क्या आ जाएगा, पी, बी बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी बराबर माइनस का क्यू स्क्वायर। अब श्री धराचार्य सूत्र से x का मान क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा टू ए। आगे बात समझ में, तो यहाँ से अब x की वैल्यू मान रखने पर, तो अब a b और c के मान रखने पर, मान रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b, माइनस का बी, बी की वैल्यू क्या है, ये रही पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है पी, ए की वैल्यू पी। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखना ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर है भाई, वापस थोड़ा देखना, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ए क्या है पी स्क्वायर, चलिए ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए इस माइनस को तंदर गुणा करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्लियर, प्लस माइनस। ध्यान से देखना ये क्या है, देखिए अगर इसको मैं ए मान लूँ पी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर को मैंने पी स्क्वायर को क्या मान लिया ए, माइनस इसको मान लिया मैंने बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा वापस ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, देखिए क्या है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो रहा है फोर ए बी,
ये किसका सूत्र है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी। तो देखिए इसको खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ये किसका बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए इसको मैं वापस क्या लिख दूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बट्टा टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस रूट, ये किसका फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बस इसका देखिए, होल स्क्वायर इसका खोलिए क्या आएगा, पी स्क्वायर का स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये किसका बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये इसका बन गया बट्टा टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस, तो रूट है स्क्वायर है हटा दीजिए, क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा टू पी स्क्वायर। आगे बात सुनना, अब देखिए अब आपको दो काम करने, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेने पर। तो ध्यान से देखिए, प्लस लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, प्लस ले रहे हैं तो प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर बट्टा टू पी स्क्वायर, टू से टू और कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। ये तो वैल्यू क्या आई, प्लस लेने पर। अब माइनस लेने पर x बराबर क्या आएगा, ये तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जब माइनस लेंगे तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, तो माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर ये तो हो गया कैंसिल, और बट्टा ये टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर क्या है, माइनस का पी माइनस का पी माइनस का टू पी स्क्वायर बट्टा टू पी स्क्वायर, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाए, टू पी स्क्वायर कैंसिल माइनस का वन। आगे बात सुन, तो एक तो ये आएगा x का मान और एक ये आएगा, अतः समीकरण के हल क्या होंगे, क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर तथा माइनस वन। ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा पार्ट आप घर पे करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दो द्विघाती व्यंजकों लघुतम और मध्यम समावर्तक डिटो, ऐसा कैसा क्वेश्चन हमने 3.6 में पढ़ा था, 3.6 का पांचवा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, दो बहुपदों का लेसअप है, दो बहुपदों का एलसीएम आपको दे रखा कितना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और एचसीएफ आपको दे रखा है कितना, x प्लस 1। यदि एक बहुपद मान लीजिए उसको ux एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये आपको दे रखा है। आगे बात सुन, तो अन्य बहुपद वी एक्स आपको ज्ञात करना है, क्लियर। तो एलसीएम दे रखा है दो बहुपदों का, यू एक्स और वी एक्स का, यू एक्स और वी एक्स का एचसीएफ दे रखा है, एक बहुपद आपको दे रखा है यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, तो दूसरा बहुपद वी एक्स आपको ज्ञात करना है, क्लियर। तो आंसर आपको बताए, चूंकि यू एक्स इंटू वी एक्स दोनों बहुपदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, एल सी एम इंटू एच सी एफ,
तो यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, वी एक्स ज्ञात करना है। तो वी एक्स क्या आ जाएगा, एल सी एम इंटू एच सी एफ बट्टा यू एक्स। तो यहाँ से वी एक्स बराबर आ जाएगा, एल सी एम आपका देर का एक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दस इंटू एच सी एफ देर का एक्स प्लस वन बट्टा यू एक्स देर का एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। क्लियर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, वी एक्स ज्ञात करना। तो आप इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट में भाग देना, तो आप इसका इस वाले गुणनखंड में भाग दे दीजिए, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस माइनस फाइव का भाग देना किस में, इस वाले पार्ट में यानी एलसीएम में। एक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दस। क्लियर। तो भाग दे दीजिए, एक्स से कटेगा तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, तो माइनस प्लस प्लस, तो क्या बचेगा, माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का आठ एक्स प्लस का दस। अब किससे गुणा करेंगे, माइनस का टू से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का आठ एक्स माइनस माइनस प्लस का दस। घटाने पर प्लस माइनस माइनस क्या बच रहा है, जीरो। इसका मतलब क्या है, देयर इंप्लाइज भाज्य, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि ये भाज्य है कौन सा, एक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दस, ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस दो। अब प्लस शेषफल तो क्या है, जीरो है। यानी ये वाला पार्ट क्या है, ये चीज़ है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। या दूसरा तरीका, इसका इसका हमने इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, x माइनस टू बार। तो यहाँ से वी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस टू, इसका इसमें भाग दिया कितनी बार गया, x माइनस टू एक्स प्लस वन। क्लियर। तो यहाँ से वी एक्स बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। तो यहाँ से वी एक्स आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये आपका आ गया दूसरा बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो आज अपनी प्रश्नावली 3 कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 4 अगली क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तीसरी प्रश्नावली की, तो वापस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।